हमारी आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल फॉर्मूला। तो अभी तक जो हमने टॉपिक की, डेटा हैंडलिंग की टॉपिक की, डेटा एनालिसिस की टॉपिक की, फॉर्मेटिंग की टॉपिक किया, तो नाउ मूव टू कैलकुलेशन। क्योंकि किसी रिपोर्ट्स को बनाने के लिए फॉर्मेटिंग जितनी जरूरी होती है उतना ही जरूरी उसका फॉर्मूला होता है, क्योंकि फॉर्मूला के बिहाव पे ही हम डैशबोर्ड को ऑटोमेट कर पाते हैं ताकि डेटा चेंज हो तो हमारी रिपोर्ट भी चेंज हो जाए। एक्सेल के अंदर में फॉर्मूला, कई सारे फॉर्मूला है, कैटेगरी के हिसाब से उसको देखते हैं पहले। वीर सिंह जी, मुझे आवाज आपको क्लियर आ रही है? यस सर। तो जो फॉर्मूला मैं कराना जा रहा हूँ वो ऑफिस 365 की फॉर्मूला है, जिसमें 2019 के कुछ फॉर्मूले भी हैं और कुछ 16 की फॉर्मूले हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे फॉर्मूला मेनू बार में, तो हमारे पास एक फॉर्मूला का सेक्शन है। तो पहले समझिए क्या है इंसर्ट फंक्शन, मतलब कि आपको फॉर्मूले की पूरी लिस्ट इकट्ठे देखनी है तो आप इस पे क्लिक करके, और ये आपका मोस्ट रिसेंटली यूज फॉर्मूला, ऑल पे जाएंगे तो सारे फॉर्मूले विद उसका डेफिनेशंस, और उस पे हेल्प चाहिए तो हेल्प भी ले सकते हैं। ठीक है, कोई फॉर्मूला सर्च करना तो सर्च करते। इंसर्ट फंक्शन आपका फॉर्मूला को देखने का एक पॉपअप टूल्स है, आप इसको यहां से भी, ये इफेक्ट्स है, इस पे क्लिक करके भी ला सकते हैं, लेकिन फिलहाल इसको छोड़ते हैं। उसके बाद आपका ये ऑटो सम का है, जो कि हमने आपको होम मेनू बार में बताया था, ऑटो सम यही चीज यहां पर है। उसके बाद इसमें आपका रिसेंटली यूज में आते हैं, तो आपका जो रिसेंटली हमने फॉर्मूला यूज किया वो R10 फॉर्मूला आपको यहां पे दिखेगा। उसके बाद यहां पे कैटेगरी के हिसाब से, पहला आपका फाइनेंशियल कैटेगरी है, दूसरा आपका लॉजिकल है, टेक्स्ट है, डेट एंड टाइम है, लुकअप प्रेफरेंसेस है, मैथमेटिकल है, ट्रिगोनोमेट्री है, एंड मोर फंक्शंस में आपका स्टैटिकल्स है, इंजीनियरिंग है, क्यूब है, इंफॉर्मेशन है, कैपेबिलिटी है, एंड वेब है। लेकिन ये सारे फॉर्मूला, जैसे कि मैंने कोर्स स्टार्ट करते ही बताया था कि मैं आपको ग्रेटर देन 200 फॉर्मूला कराऊंगा, तो इसमें मैं आपको फाइनेंशियल फॉर्मूला में सारे फॉर्मूला नहीं कराऊंगा, लेकिन वो फॉर्मूला कराऊंगा जो सबको इजीली समझ सकता है, क्योंकि इसको समझने के लिए फाइनेंस बैकग्राउंड पूरा होना चाहिए। लेकिन लॉजिकल, टैक्स, डेट एंड टाइम, लुकअप, ये आपको कंप्लीटली हर एक फॉर्मूला पे मैं डिस्कस करूंगा। उसके बाद मैथमेटिकल त्रिकोणमिति में क्या है कि आपको जो फॉर्मूला हमसे रिलेटेड है वो कराएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे मैथमेटिक है, जैसे मान लीजिए कॉस थीटा, साइन थीटा, ये सब का जानने क्या होगा, तो वो चीजें छोड़ देंगे। इसके बाद हम स्टैटिकल फॉर्मूला में बहुत सारे फॉर्मूले करेंगे, इंजीनियरिंग फॉर्मूला, क्यूब फॉर्मूला, दो कैटेगरी में छोड़ दूंगा, क्योंकि दो कैटेगरी के लिए आपको पीछे का ये पता होना चाहिए, मतलब कि इसकी ये आपको रिपोर्ट ऑटोमेशन में उतना खास यूज नहीं होता है। फिर भी कैपेबिलिटी फॉर्मूला भी वही है, नहीं कैपेबिलिटी फॉर्मूला वो है जो कि आपका 2003, 2007, 2019 सब में है, होता है, तो ये आपका जो लोअर वर्जन के फॉर्मूले है वो सारे फॉर्मूले इसमें है, तो इसमें से मोस्टली फॉर्मूला तो लिस्ट में करा दूंगा। लेकिन मैं ये आपको फ्रीडम देता हूं कि अगर आपको इनके अलावा भी कुछ फॉर्मूला सीखना है, मतलब कि मैंने आपको मेरे हिसाब से फॉर्मूला आपको सिखा दिया, बट आपकी रिक्वायरमेंट से कुछ फॉर्मूले और हैं जो कि आपके यूजफुल है, क्योंकि सारे फॉर्मूले का लिस्ट आप देख सकते हैं डेफिनेशन के साथ, अब इसकी आप डेफिनेशन देख सकते हैं, हेल्प में जाके देख सकते हैं, लेकिन आपको लगा कि नहीं, मुझे ये फॉर्मूला भी करना चाहिए, तो मुझे आप बताएंगे कि सर मुझे ये लिस्ट ऑफ फॉर्मूला, ये फॉर्मूला भी मुझे करा दीजिए, तो मैं आपको वो फॉर्मूला करा देंगे। तो हो सकता है कि कुछ फॉर्मूले मुझे भी ना आता हो, मैं ये नहीं बोलता कि मुझे सब कुछ आता है, हो सकता है कुछ फॉर्मूले को मैं सही ढंग से ना पढ़ा पाऊं, तो वो चीज हम दोनों बैठ के उस पर रिसर्च कर लेंगे। ठीक है बीर सिंह जी, लेकिन श्योर सर। सबसे पहले हम बात करेंगे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस पे। एक कोई फॉर्मूला का लिस्ट ऑफ नहीं है, ये फॉर्मूला लगाने का तरीका है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। मैं इसको बेसिक कंसेप्ट में समझाऊं तो यहां पे 20 है और यहां पे हमारा 30 है, ठीक है, 20 है और 30,
अगर इन दोनों को ऐड करना हो तो एक तो मैं 20 + 30 कर सकता हूं, या दूसरा हम इस यहां पे इसको सेलेक्ट करके सम के अंदर में डाल सकते हैं। तो सम क्या है? सम हमारा इनबिल्ट फॉर्मूला है, हमने जस्ट इसको अप्लाई कर दिया, ठीक है ना? हमने जस्ट इसको क्या किया? अप्लाई कर दिया। ओके सर मेरी क्वेरी है यहीं पे। सर, जैसे मतलब कि हम कैलकुलेशन को मैथमेटिकल ऑपरेटर, मैथमेटिकल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं? प्लस माइनस या आपका डिवाइड मल्टीप्लाई ये होते हैं। सर एक क्वेरी थी मेरी। एक मिनट सर, तो यहां पे हम बात कर रहे थे कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन की जो ऑपरेटर है, इसमें एक ऑपरेटर होता है पावर का। ये जो ऑपरेटर है इनको हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास अब कुछ ऐसे ऐसा क्यों करना है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी सम का फॉर्मूला है, तो हम यहां प्लस क्यों करेंगे? सम लगा लेंगे। क्या क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, कैलकुलेशन करते समय हमारे पास कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है कि कुछ ऐसे कैलकुलेशन होता है जिसके लिए हमारे पास इनबिल्ट कोई फॉर्मूला नहीं होता है, या फॉर्मूला होता है तो उसकी कैलकुलेशन का मेथड पे हमें ट्रस्ट नहीं होता है। तो हम क्या करना चाहते हैं कि ये जो फॉर्मूला हमारा है उस ये जो हम उसकी जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो है नोटपैड से करते हैं, वैसे कैलकुलेशन को करना। जैसे हमारे पास है क्वार्टर वन एंड क्वार्टर टू का सेल, तो क्वार्टर वन में हमारा मान लीजिए 50 सेल हुआ, क्वार्टर टू में हमारा 50 सेल। मुझे इसका ग्रोथ निकालना है। क्या निकालना है? इसका ग्रोथ। इसका ग्रोथ कैसे निकलेगा? अब इसकी ग्रोथ को निकालने के लिए, अगर हम ग्रोथ की निकालने की बात करें, तो इसकी ग्रोथ को निकालने के लिए हमारे पास एक्सेल में पहले फॉर्मूला ढूंढना होगा। क्या सर? राइट सर। लेकिन मुझे ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं मिल रहा है, मुझे इससे ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं मिल रहा है। लेकिन इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है हमारे पास, तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या कहती है? मैथमेटिकल कैलकुलेशन कहती है, याद कर लेता हूं, हाँ, कि क्वार्टर मतलब लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट, मतलब क्वार्टर टू माइनस क्वार्टर वन डिवाइड बाई ओल्डेस्ट। समझे? मतलब कि लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाय ओल्डेस्ट, ये हमारा मैथमेटिकल फॉर्मूला कहता है। तो चलिए इसको अप्लाई करते हैं यहां पे, इक्वल लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाय ओल्डेस्ट। अब बीर सिंह जी बताइए, क्या कैलकुलेट मैं एंटर मारूंगा तो मेरा कैलकुलेशन सक्सेस होगा?
ये ब्रैकेट में देना होगा, क्या लेटेस्ट होगा उसका मेथड समझ रही है। लेटेस्ट ब्रैकेट देना होगा, क्यों देना होगा उसका मेथड, मतलब मेथड समझाइए मुझे। देखो सर, ऐड 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 कर मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो ठीक है सर। हाँ, बोर्ड मास मेथड कैलकुलेशन का एक सीक्वेंस होता है, जी तो क्योंकि उस सीक्वेंस में एक कहता है कि पहले ब्रैकेट देन माइनस, लेकिन यहां पे मुझे पहले राइट, फिर ब्रैकेट देना है, मतलब कि मैथमेटिकल, अभी जो मैथमेटिकल प्रोसीजर आपने पढ़ा होगा बोर्ड मास मेथड, उसमें होता है कि ब्रैकेट पहले फिर माइनस, ब्रैकेट डिवाइड फिर, बट यहां पे मुझे माइनस देना है फिर डिवाइड देना है, तो ब्रैकेट फर्स्ट होता है इसलिए हम इसको ब्रैकेट में रखेंगे। अब इसके ऊपर हम परसेंटेज का सिंबल लगा देते हैं। ओके, अब समझ में आया सर? ओके, तो आप यस सर। परसेंटेज कैलकुलेशन है पता है, किसी को दिक्कत है परसेंटेज कैलकुलेशन में? नो फ्रॉम माय साइड, क्या बोल रहे? मेरे तरफ से, मेरे मुझे क्लियर है सर। चलिए सर, एक क्वेरी थी मेरी, उसको थोड़ा सा क्लैरिटी दे दीजिए। अगर अगर कोई भी हम फॉर्मूला लिखते हैं, तो मैंने लोगों को देखा है कि कुछ लोग इक्वल टू का साइन लगाते हैं, कुछ लोग प्लस लगाते हैं, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वल टू और प्लस, तो क्या ऐसा क्या है, क्यों है? आपको कि हम फॉर्मूला जो है मैथमेटिकल साइंस से फॉर्मूला स्टार्ट कर सकते हैं, जो है ऐसे फॉर्मूला इक्वल से स्टार्ट होता है, इक्वल मैथमेटिकल साइन है, ठीक है ना? एक्सेल ए बी भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ये नहीं करता है कि आप इक्वल से फॉर्मूला स्टार्ट कर सकते हैं, बट माइक्रोसॉफ्ट करता है कि यू कैन स्टार्ट द राइटिंग द फॉर्मूला विथ मैथमेटिकल साइन। तो मैथमेटिकल साइन क्या, इक्वल है, माइनस है, प्लस है, क्या मल्टीप्लाई साइन, मल्टीप्लाई को रीड नहीं करता क्योंकि मल्टीप्लाई करेक्टर भी है इसलिए, ऐसे ही डिवाइड को रीड नहीं करता कि डिवाइड भी, हम डिवाइड को भी रीड नहीं करता क्योंकि डिवाइड भी एक करेक्टर है, ठीक है? तो आप लेकिन फॉर्मूला जी स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि इक्वल से, प्लस से और माइनस से। लेकिन सर, अगर मान लो मैं माइनस लगाता हूँ, तो हाँ, वही माइनस तो से मैं तो मेरा आपको, एक्यूरेट वही मैं आपको रिजल्ट नहीं आता ना। यही आपको समझा रहा है कि जनरली लोग क्या है कि इक्वल से फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग प्लस से स्टार्ट करते हैं, क्यों? क्योंकि इक्वल के लिए उन्हें कीबोर्ड के एंटर के ऊपर आना पड़ता है, और जनरली लोग जो कीबोर्ड से काम करते हैं उनका हाथ नंबर की पैड पे होता है, एरो की के पास, तो वो हाथ बस यहाँ ना लाने के चक्कर में सहूलियत होती है, वो प्लस से स्टार्ट कर देते, समझे? ओके दूसरा माइनस से स्टार्ट क्यों नहीं करते, क्योंकि माइनस से स्टार्ट करने पे अगर न्यूमेरिकल रिजल्ट है तो चेंज हो जाएगा। चेंज होता है, मैंने वो ट्राई किया था, तो वो मेरा ये आउटपुट जो आ रहा था वो मतलब अलग आ रहा था, डिफॉल्ट और इसलिए प्लस से तो माइनस मेरा से एक्यूरेट आ शुरू रहा नहीं था उसका, करते, लेकिन पर माइनस से भी शुरू किया जा सकता है, बट आपके रिजल्ट अगर स्टैटिकल हुई तो कोई बात नहीं, लेकिन न्यूमेरिकल हुई तो चेंज हो जाएगा। राइट। तो परसेंटेज कैलकुलेशन पता है ना आप लोगों को, तो मैं स्किप करता हूं परसेंटेज कैलकुलेशन की टॉपिक को, पेस्ट स्पेशल में बताया होगा मैंने परसेंटेज कैलकुलेशन, तो चलिए इसको स्किप कर दिया। तो अब हम यहां पे आते हैं कि हमने यहां पे किया, अब चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं इसके।
जैसे मान लीजिए मुझे, मेरे पास यहाँ पे प्रिंसिपल है, यहाँ पे रेट है, यहाँ पे टाइम। प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम, तीन चीज हमारे भी यहाँ पर है। तो मान लीजिए 50,000 हमारा प्रिंसिपल है और 8% हमारा रेट है और टाइम मान लीजिए हमारा 4 साल है। तो मुझे यहाँ पे अमाउंट कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? अमाउंट। तो एक्सेल में इसके लिए फॉर्मूला है, लेकिन मुझे उसकी कैलकुलेशन पे ट्रस्ट नहीं है, या फिर जिसको कराया वो ट्रस्ट नहीं है। तो यहाँ पे हम अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशन को लेके आता हूँ। तो मैथमेटिकल क्वेश्चन कहता है कि अमाउंट, मतलब कि अमाउंट इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाई वन प्लस आर डिवाइड बाई एन पावर ऑफ टी मल्टीप्लाई बाई एन। अब यहाँ पे एन क्या है? तो यहां पे n है आपका, n जो है आपका क्या है, वो है नंबर ऑफ पीरियड, मतलब कि मंथली है तो 12 हो जाएगी, ईयरली है तो 1 हो जाएगी, क्वार्टरली है तो 4 हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो अब इसमें दिक्कत यहां पे आ रही है कि इसको हम करें तो करें कैसे। तो क्योंकि ये लंबी कैलकुलेशन है ना सर, इसलिए बोल रहा था। तो इसका उपाय हमारे पास ये है, इसको हम तोड़ के करें सर। जैसे हम पहले यहां पे करते हैं वन प्लस, तो आर डिवाइड बाई एन मतलब कि 12, मैं यहां पे करता हूं इक्वल वन प्लस आर डिवाइड बाई 12, ये हो गया हमारा।
फिर हम यहाँ पे टी मल्टीप्लाई बाई आर एन मतलब कि 12 यहाँ पे सॉरी इसको हम मल्टीप्लाई बाई 12 कहते हैं। फिर इन दोनों के बीच में हम पावर देते हैं क्योंकि तो पावर का साइन ये है ना, ये आपका शिफ्ट के साथ 6 दबाते हैं तो आता है आगे। और फिर इसको हम पी से मतलब कि अपने प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, रिजल्ट आपके सामने है। लेकिन ये इस रिजल्ट को हमने बहुत सारे अलग अलग कैलकुलेशन से कैलकुलेट किया, मुझे इसको ऐसा कैलकुलेट करना है कि सिंगल ठीक है। तो इसको हम चलते बताते हैं कि अभी जैसे यहां पे देखिए D15 है, तो मैं यहां से इसको कॉपी करता हूं और जहां पे D15 है वहां पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। वापस इसको हम कॉपी करते हैं और यहां नहीं इसको छोड़ते हैं फिलहाल, यहां पे E15 है, ये कौन सा खास किस कलेक्टेड है E15 से, तो E15 के जगह पे मैं E15 का फॉर्मूला पेस्ट कर देता हूं। जहां पे आपका F15 है वहां पे मैं F15 का फॉर्मूला पेस्ट कर देता हूं। मैं लिंक इससे नहीं है, अभी यहां पे आते हैं और आपका G15 के जगह पे G15 का फॉर्मूला ब्रैकेट में डाल देते ताकि कैलकुलेशन इफेक्ट ना हो, अब कट करके इसको जहां ले जाना है वहां ले जाइए। मतलब कि अगर आपको अगर कोई कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड लगे तो उसको क्या करें आप, उसको आप पहले वन बाय वन टुकड़ों में कैलकुलेट करें फिर उसको आपस में मर्ज कर दें। समझ में आया भीम सिंह जी? सर डाउट? लेकिन इसमें चलिए एक लंबा एक और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज हम देखते हैं। जैसे कि मेरे पास किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट है, कॉस्ट क्या है, कॉस्ट है हमारे पास 50 और मुझे इसकी एमआरपी निकालनी है। मुझे क्या निकालनी है, एमआरपी। तो कैसे निकाले एमआरपी, क्योंकि एमआरपी अगर मैनुअल निकालने जाए तो मैनुअल हमें इस तरह से निकालने होंगे। सबसे पहले तो मुझे इसका 5% निकालना, जो माने कि जो मैन्युफैक्चरर है वो 5% का मार्जिन लेता है और वो डिस्ट्रीब्यूटर को दे देता है, 5% का मार्जिन लेता है और डिस्ट्रीब्यूटर को दे देता है। डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है कि वो अपने खरीद पे 10% का मार्जिन लेता है और दे देता है होलसेलर को।
होलसेलर क्या करता है कि अपने इसमें 15% का मार्जिन लेता है और देता है रिटेलर को। रिटेलर क्या करता है कि वो 20% का मार्जिन लेता है और फिर देता है कंज्यूमर को, कंज्यूमर प्राइस इज द एमआरपी। तो ये सारी कैलकुलेशन हमें करनी है। अब इसका हो सकता है कि शॉर्टकट हो, तो मेरा मेथड, मेरा मतलब पर्पस ये नहीं है कि आपको एमआरपी निकालना सिखाना, मेरा पर्पस है कि कैसे अलग अलग फॉर्मूले को मर्ज करना। अगर आप कोई बड़ा फॉर्मूला देखे तो घबराए नहीं, क्योंकि उस फॉर्मूले को हो सकता है कि मेरे इस मेथड से बनाया हो। और ये जो मेथड मैं बताने जा रहा हूँ ये मेरा खुद का मेथड है, क्योंकि 2007 में मैंने इस मेथड का यूज किया था किसी को समझाने के लिए। उसका नाम भी पता है, एक लड़की थी जो पढ़ने आती थी, उसको दिक्कत था, वो मैं जब उसको बड़े बड़े फॉर्मूला लिखता था तो उसको समझ में नहीं आता था, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने मेथड इस्तेमाल किया। और मेथड इतना अच्छा हुआ कि बहुत सारे लोग इसको कॉपी करने लगे। ठीक है, तो आपको यही चीज समझाने का है। तो पहले क्या करना है कि देखिए ये फॉर्मूला किस किस से लिंक है। तो ये आपका फॉर्मूला है B18 + C20। तो B18 में तो खुद का वैल्यू है, लेकिन C18 के अंदर में आपका फॉर्मूला है। तो C18 में फॉर्मूला हो सकता है, तो फॉर्मूला यहां पे क्यों नहीं हो सकता है? तो C20 में जो हमारा फॉर्मूला है B18 × 20, हम उसको कॉपी करते हैं, इक्वल को सिलेक्ट करें, कोई मत करना। और फिर यहां पे हम ब्रैकेट में उस फॉर्मूले को पेस्ट कर देते हैं। हम इसको कॉपी करते हैं और चले जाते हैं यहां पे कि C21, तो जहां पे C21 है वहां पे C21 का फॉर्मूला हम पेस्ट कर देंगे, और यहां भी हम C21 का फॉर्मूला पेस्ट कर देंगे। ये आपका D20 का फॉर्मूला, तो D20 के फॉर्मूला कॉपी करेंगे और इसमें देखिए +D20 लिया हुआ है, तो D20 को डिलीट करेंगे और उसके जगह पे ब्रैकेट में D20 का फॉर्मूला पेस्ट कर देंगे। फिर मैं इस फॉर्मूले को कॉपी करता हूं और ये आपका कितना है D21। तो यहां पे जहां पे D21 है वहां पे D21 का फॉर्मूला मैं पेस्ट करता हूं, और यहां भी D21 है तो इसके जगह पे इसका फॉर्मूला पेस्ट करता हूं। फिर इसमें क्या है E20 है, तो E20 पे गया और E20 का फॉर्मूला हमने कॉपी कर लिया। अब यहां पे हमने E21 के जगह पे E21 का फॉर्मूला ब्रैकेट में पेस्ट कर दिया। फिर मैं E21 का फॉर्मूला कॉपी करता हूं और यहां जाता हूं जहां पे हमारा E21 है, उसके जगह पे E21 का फॉर्मूला हम पेस्ट करते हैं। ये रहा E21। फिर वापस आपका F20 का फॉर्मूला है, तो F20 को सिलेक्ट किया और यहाँ लास्ट में देखिए F20 का फॉर्मूला है। सबकी लिंक हट गई, कोई लिंक नहीं है, तो इसको कॉपी करके नहीं, कॉपी करके लेके जाएंगे तो फिर आपका रेंज चेंज होने का डर है, तो इसको कट करके जहां ले जाना है वहां पे इसको। अब वीर सिंह जी बताइए, इतना लंबा फॉर्मूला आप लिख सकते थे? डायरेक्टली तो नहीं लिख सकते हैं, बट हाँ इसको जैसे आपने जो और तरीका बताया उससे मतलब बहुत आसानी से लिख सकते हैं। और ईशुभ जी समझ में आया मेरा तरीका? जी बिल्कुल। तो इससे क्या फायदा होता है, जैसे आपने मान लीजिए 4-5 फॉर्मूले लगा लिया और बीच में एरर आने लगे, अब आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला एरर दे रहा है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि फॉर्मूले को स्प्लिट कर देते हैं, मतलब एक एक करके अलग अलग सेल पे उस फॉर्मूले को लिखते हैं और फिर उसको हम लगाते हैं। इससे फायदा क्या होता है कि कहीं पे हमारा अगर फॉर्मूला ए है, मतलब कि आपका नहीं लग रहा है, तो उस फॉर्मूले को हम लोग क्या करते हैं,
फिर उस फॉर्मूले को हम लोग आपस में मर्ज कर देते हैं, ये आपका रिजल्ट आता है। तो क्लियर है आप लोगों का? लेकिन इसको प्रैक्टिस, क्योंकि ये सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन की बात नहीं है बीर सिंह जी, यानी सुख जी, निकिता जी, बेसिकली इन फ्यूचर में हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वहां भी इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे, समझे? सिर्फ राइट सर। एग्जांपल आपको बता रहा हूं कि मेरे पास एक लेटर है इस तरह से, ठीक है? हम लोग फ्लाइट क्लासेस होती थी हमारी, तो मुझे इसमें काउंट करना है कि इसमें बी कितना बार है। तो बी को काउंट करने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, बट कई सारे फॉर्मूले को मिक्सअप किया जा सकता है। जैसे कि हमने लेन का फॉर्मूला लगाया जो कि बताता है कि इस सेल में कितनी करेक्टर टाइप किया गया, ठीक है? 13 टाइप है। दूसरा फॉर्मूला है हमारा सब्स्टिट्यूट का, जो कि इस सेल में बी को डिलीट कर देगा, मतलब रिप्लेस कर देगा ब्लैंक से। हमने बोला कि A2 में बी के जाओ और बी के जगह पे ब्लैंक करो, तो सारा ब्लैंक कर दिया, जितने बी थे वो खत्म हो गए। फिर वापस मैंने यहां पे लेन का फॉर्मूला लगा के, इस पर लेन का फॉर्मूला लगाया और पता किया कि 11 है। फिर हम 13 माइनस 11 करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि बी कितना है। समझ आप लोगों को सर? जी सर। अब ये कैलकुलेशन तो कई सारे सेल्स में है, लेकिन फाइनल रिजल्ट कहाँ आ रहा है? यह आ रहा है। तो यहीं से स्टार्ट करें, तो B2, तो यह हमारा जो B2 है उस B2 को उठाते हैं, कॉपी करते हैं, और यहां जहां B2 है उसके जगह पे इसको पेस्ट कर देते हैं। मतलब कि अब B2 को डिलीट करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आपका यहां पे C2 आता है, अब इसको कॉपी करते हैं और इसको हम यहां आगे C2 पे पेस्ट कर देते हैं। अब मैं C2 को डिलीट करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर वापस यहां D2 को उठाता हूं, इक्वल सिलेक्ट नहीं करूंगा, कॉपी, और यहां जहां D2 है उसके जगह पे पेस्ट कर दूंगा। अब D2 को डिलीट करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और हमारा फॉर्मूला लिख दिया, और मैं कट करके जहां लाना है उसको ला देते हैं। अब एक साथ लगाऊंगा तो हो सकता था कहीं ब्रैकेट छूट सकता था, कहीं कुछ हो सकता था, लेकिन अभी मैं कंफर्म हूं कि मेरा फॉर्मूला 100% वर्क कर रहा है, ठीक है सर? बीर सिंह जी, सुब जी, निकिता जी, यस, बहुत बढ़िया सर। क्लियर। तो अभी आप लोगों को आगे में आगे कैटेगरी फॉर्मूला, अभी नहीं पढ़ा होगा। पहले मुझे आप जो है 20 ऐसे एग्जाम्पल दीजिए सर। ठीक है, बार दोबारा बोलना सर, दोबारा बोलना। मुझे 20 ऐसे मैथमेटिकल एग्जाम्पल दीजिए। राइट अवे। हाँ हाँ, बना बना कर अभी भेजिए, बाकी तो वीकेंड में तो ड्यूटी चल जाएंगे ना। हम्म।